आप इसे, तो चलिए देख सकते हो ये थोड़ा हार्ड है। नमस्ते फ्रेंड, प्रिया प्रोडक्शन में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपका दोस्त नई दे और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फिर से एक नया क्लॉक्स, और देख सकते हो, और इसका जो ब्रांड है ये है एशियन। एशियन कंपनी की तरफ से ये नया क्लॉक्स लॉन्च हुआ था, तो मैंने इसे फ्लिपकार्ट से मंगवा लिया। देख सकते हो बॉक्स मेरे पास आ चुका है, तो चलिए इसे ओपन करते हैं और देख लेते हैं पूरा कैसा है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आप लोगों को बताऊँगा इस वीडियो में। और मैं ऐसे ही अनबॉक्सिंग और रिव्यू का वीडियो बनाता रहता हूँ, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं जरूर आप लोगों को आंसर दे दूँगा। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं और देख लेते हैं प्रोडक्ट कैसा है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देख सकते हो बॉक्स एशियन, तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं। यह मेन क्लॉक्स देख सकते हो, तो चलिए सामने से बात करते हैं यह प्रोडक्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देख तो चलिए सामने से बात करते हैं। देख सकते हो यह एशियन कंपनी के क्लॉक्स, और ये वाटरप्रूफ नहीं है, पहले ही बता देता हूँ। एक मटेरियल्स आप शू में देखोगे, एक हल्का सा सॉफ्ट सा एक मटेरियल्स यूज़ किया गया है अंदर की तरफ भी, देख सकते हो। और यहाँ पर मेमोरी फॉर्म का यूज़ किया गया है जो काफ़ी सॉफ्ट है, और इसका सोल भी देख सकते हो, सोल काफ़ी हार्ड है। बस इसका पैटर्न, ये जो सोल का जो पैटर्न है, ग्रिप है, ये ग्रिप काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, वैल्यू फॉर मनी तो मुझे लग रहा है। एक ही दिक्कत है, ये वाटर प्रूफ नहीं है, अंदर देख सकते हो ये नायलॉन का बना हुआ है, जैसे स्पोर्ट्स शू के अंदर जो मिलता है अंदर की तरह, वैसे ही यहाँ पर दिया गया है। देख सकते हो ये वाला जो है ये रबर का है, इसमें ब्रांडिंग भी किया गया है, और ये रबर का देख सकते हो, अदरवाइज ये पूरा मटेरियल्स वाटर प्रूफ नहीं है। नायलॉन का एक कपड़ है, यहाँ पर भी ब्रांडिंग है सेम का, और ये 10 नंबर मैंने मंगवाया है, देख सकते हो 10 नंबर। और ये जो सोल है, सोल के ऊपर जो दिया गया है ये मेमोरी फोम यहाँ पर यूज किया गया है, देख सकते हो एशियन मेमोरी फोम टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर भी टेस्टिंग किया गया है, देख सकते हो। तो एक ही दिक्कत वाला बात है, देख सकते हो टेस्टिंग उतर रहा है थोड़ा, तो आप इसे वाटर में, आप इसे वाटर में कभी भी लेके नहीं जाएगा, क्योंकि ये पूरा यहाँ से टेस्टिंग किया गया है, तो ये पूरा उखड़ जाएगा, पूरा पानी लग के खराब हो जाएगा पूरा। ओवरऑल प्रोडक्ट ठीक ठाक है, तो चलिए देख सकते हो ये थोड़ा हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, बट ऊपर की तरफ मेमोरी फॉर्म है इसीलिए आपको मालूम नहीं चलेगा, बट ठीक है। चलिए इसे एक बार पहन के देखते हैं, उसके बाद ही बात करते हैं। तो देख सकते हो मैं पहन के रखा है, ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा पूरा, उतना अच्छा नहीं लगा मुझे, एक स्पोर्ट्स शू जैसा फील हो रहा है, क्लॉक्स जैसा नहीं फील हो रहा है, और अंदर की तरफ काफ़ी सॉफ्ट है बट सोल काफ़ी हार्ड है, इसी कारण मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलिए इसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, फाइनल डिसीजन आपको दे देते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा ये क्लॉक्स, मेरे ख्याल से जो भी वाटर प्रूफ क्लॉक्स मुझे रहे हो तो इसे अवॉइड करिए, क्योंकि ये वाटर प्रूफ क्लॉक्स नहीं है। और एक बात, इतना टेस्टिंग किया गया है, ये वाटर प्रूफ हो और ना हो
ये पेस्टिंग एक दिन ना एक दिन उखड़ जाएगा पूरा। तो मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगा। 50-50 आप ले सकते हो आपके हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप नहीं भी ले सकते हो। और एक दिक्कत वाला बात है, इसमें वेंटिलेशन का कोई भी जगह नहीं है। इसमें एक क्या कहूँ, स्पोर्ट्स शू में जो ऊपर की तरफ रहता है जो कपर, वही यहाँ पर वही मटेरियल्स यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो एक स्पोर्ट्स शू जैसा फील होगा आपको। अदरवाइज एक स्पोर्ट्स शू को अगर पीछे से काट दोगे तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। ओवरऑल प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक है, 550 रुपया में आपको ये मिल रहा है, तो ठीक ठाक ही है। और इसमें अंदर की तरफ आपको मेमोरी फोम मिलेगा, मेमोरी फोम का एक सोल मिलेगा, मतलब सोल के ऊपर जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो मेमोरी फोम का है। और इसका ग्रिप काफ़ी अच्छा है, बट सोल काफ़ी हार्ड है, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। और थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील होगा क्योंकि अंदर के तरफ काफ़ी ज़्यादा नरम है और बाहर के तरफ हार्ड और अंदर के तरफ नरम, तो एक कॉम्बिनेशन गैप यहाँ पर दिया गया है, जिससे कारण कंफर्ट लेवल उतना अच्छा नहीं है, उतना अच्छा पीक लेवल पे कंफर्ट लेवल आपको नहीं मिलेगा इसमें। और वाटरप्रूफ तो नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा हर टाइम, क्योंकि ये पूरा ऊपर का जो हिस्सा है पूरा गाम से पेस्टिंग किया गया है, तो वाटर जाएगा तो ये पूरा उखड़ जाएगा ऊपर से, ठीक है। और ये सूट पहन के आप रफ एंड टफ यूज़ नहीं कर सकते हो। तो अगर आपका रिक्वायरमेंट थोड़ा हल्का फुल्का है तो ठीक ठाक है। अगर हार्ड कोर आप शू यूज़ करोगे तो ये उतना दिन नहीं चलेगा। तो ओवरऑल प्रोडक्ट आप 50-50 आपके हिसाब से, मेरे ख्याल से आप ले भी सकते हो ना भी ले सकते हो। मैं आपको बता दिया इसका फीचर्स, इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है, तो आप लोगों के हिसाब से आप ले सकते हो ये शू। मेरे हिसाब से मैं तो इसे नहीं लूँगा, तो आप लोगों के हिसाब से आप ले सकते हो, आप लोगों के हिसाब से ना भी ले सकते हो। यही था, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हो, देख भी सकते हो। तो चलिए यहीं पर ही वीडियो को समाप्त करते हैं। मैं ऐसे ही अनबॉक्सिंग और रिव्यू का वीडियो बनाता रहता हूँ। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं जरूर आप लोगों को आंसर दे दूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।